तीन दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बॉल क्रीडा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का होने वाले आयोजन का सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्य अतिथि सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसके संबंध में जिला व्यायाम शिक्षिका रीना सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जनपद के 21 ब्लॉकों स्कूलों के करीब 3000 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इस प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी, खो खो, अन्य विभिन्न तरह तरह के खेल खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां से जो भी बच्चे विजेता होंगे वह 21, 22, 23 को कुशीनगर में मंडल स्तरीय होने वाली प्रतियोगिता में जाएंगे। मंडल स्तरीय विजेता होने के बाद स्टेट लेवल पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में पहले दिन बालक वर्ग और बालिका वर्ग को 600 मीटर रेस किया। वहीं सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने बताया कि जब एक अच्छी सोच की सरकार बनती है तो विद्यालयों में खेलकूद का कार्यक्रम कराया जा रहा है ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो और अपने जीवन में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ बच्चा भी ओलंपिक खेल खेले और अपने देश का नाम रोशन करे। इस अवसर पर बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह, जिला व्यायाम शिक्षक अकरम परवेज, प्रेम नारायण गुप्ता, विनय मल, शकुंतला राव, बबीता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला व्यायाम शिक्षिका रीना सिंह एवं सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, इसके चलते हम लोग अभिभूत हैं क्योंकि लगातार यहाँ उन्होंने अपने हैं इसका हमें आभास करा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो सहिष्णुता का भाव आया है, मैं चाहता हूँ करतल ध्वनि से माननीय विधायक जी का हम सब स्वागत अभिनंदन करते हैं। और खोराबार के द्वारा है, आनंद लीजिए इस म्यूजिकल प्रोग्राम का। तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों को। मंडलीय अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल संघ से आपसे अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में आप हमारे मुख्य हैं, वो अपलक दृष्टि से इन्होंने कार्यक्रम को देखने के लिए सभी दर्शकों को मजबूर कर दिया। इसमें इनके विद्यालय की अनुदेशक साथी का बहुत ही बड़ा योगदान है और उन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा और प्रस्तुति की। अन्य मुख्य अतिथि बच्चों के उत्साह को बढ़ाते हुए और आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि रीजनल स्टेडियम गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एडी बेसिक सतप्रकाश त्रिपाठी जी, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हुए, बस यह जो पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में ऐसे प्रतियोगिता हो रहे हैं जिससे हमारी जो प्रतिभा जो गांव-गांव में दबी और छिपी प्रतिभा है वो इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा आगे आकर गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश, यही प्रतिभा जब जाएगी तो पूरे भारत में नाम होगा। और इसलिए मैं शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों का, सभी विभाग के पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं। अभी खेलकूद को लेके अभी जब एक अच्छी सरकार बनती है तो विकास के साथ साथ एक अच्छी लोगों की सोच आती है जिससे आज हमारे हर विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कराया जा रहा है, हर प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। अभी कल मैं अपने विधानसभा में पाली ब्लॉक के डुमरी में एक विद्यालय में इसी कार्यक्रम में था, मैंने वह दृश्य देखा। गांव में वो होनहार बच्चे जिनमें वो प्रतिभा है उस विद्यालय के द्वारा जब मुझे जानकारी मिली, मैंने जानकारी लिया कि उसमें जो शुल्क आता है उस शुल्क से वो प्रोग्राम नहीं हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक ही एक पिता के तरह एक शिक्षक होता है जो व्यवस्था करके वो चाहता है कि मेरे स्कूल का बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, ऐसी प्रतिभा में ऐसे प्रतियोगिताओं में कार्यक्रम करके वो मंडल स्तर पे जाए, जिले स्तर पे जाए और पूरे उत्तर प्रदेश सहित वो बच्चा नाम करे। यह सभी शिक्षकों को इस कार्यक्रम को लेके मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि जितने विद्यालय में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में ऐसे मैदान तैयार किए जा रहे हैं जहां पे ओपन जिम खोला जा रहा है। आज हर ब्लॉक में
अभी महाराज जी ने शुरुआत किया है जंगल कौड़िया में मिनी स्टेडियम बनवाकर। प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ आप अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के द्वारा आदरणीय और उन्हें यह एहसास के लिए किया और सदैव यह अंग आपसे सहयोग मैं रीना सिंह, जिला व्यायाम शिक्षिका, बेसिक शिक्षा गोरखपुर। आज 14 नवंबर को हमारे जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जो 3 दिन तक चलेगी, 14, 15, 16 नवंबर तक। 16 नवंबर को समापन है और जो बच्चे जीतेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें हमारे पूरे ज़िले के 21 ब्लॉकों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें लगभग 3000 बच्चे प्रतिभाग किए हैं विभिन्न गेमों में, जैसे एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है, खो खो है, कबड्डी है, जूडो है, कुश्ती है, विभिन्न गेम हैं। और आज चूँकि हमारे उद्घाटन हुआ और उसके बाद हमारे हीट वगैरह है 600 मीटर की, और कल सुबह से हमारे टीम गेम शुरू हो जाएंगे 9 बजे से और शाम 6 बजे तक, और बाकी और इवेंट्स जो हैं 16 को होंगे और उसी दिन समापन समारोह भी है। और इस तरह हम जो बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट होंगे वो मंडल में जाएंगे। 21, 22, 23 नवंबर को कुशीनगर में मंडल की प्रतियोगिता है, फिर वहाँ से जो बच्चे जीतेंगे वो स्टेट लेवल पर जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे गोरखपुर का नाम रोशन करें, इसी तरह प्रतियोगिता है और लोगों का सहयोग होता रहे। हमारे जितने भी व्यायाम शिक्षक हैं काफ़ी कोऑपरेट किए, हमारे मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। किसके द्वारा समापन किया जाएगा? ये हमारे माननीय विधायक माननीय महेंद्र पाल सिंह के द्वारा जो है समापन समारोह होगा। आज उद्घाटन हमारे माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी सहजनवा के हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। और आने वाले दिनों में और भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भी हमारे जो नेशनल लेवल के इंटरनेशनल के खिलाड़ी हैं बीच बीच में आके उनका सहयोग, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, इसी तरह हम खेल को सहयोग से करा रहे हैं। यह कार्यक्रम हो रहे हैं, यह कहीं न कहीं एक अच्छी सरकार जब बनती है, अच्छी सोच की सरकार बनती है, तो आज हमारे हर विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। जैसे हमारे गाँव की जो दबी प्रतिभा है, जो दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ बच्चा भी ओलंपिक खेल ले, वह पूरे देश में नाम करे, उत्तर प्रदेश में नाम करे, कहीं ना कहीं उसका उदाहरण है। आप सभी डुमरी में विद्यालय में ऐसे जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे ब्लॉक स्तर में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें डुमरी के एक विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा था, मैंने देखा कि जो गांव में प्रतिभा एक राम और श्याम नाम के जुड़वा भाई, वो जो गाना गा रहे थे, मैंने वहां कहा यह दोनों भाई ऐसे ही टीवी के स्क्रीन पे देखेंगे, जनता यहां की देखेगी। इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इन बच्चियों को खूब आशीर्वाद के और आगे बढ़े और पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में नाम करें।